केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लालकुआ नगर के वार्ड नंबर 1 में अमृत योजना के तहत किए जा रहे पेयजल पुनर्गठन कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को हो रही परेशानियों का समाधान किया जा सके। वहीं जल निगम के अधिकारियों ने आज से कार्य प्रारंभ करते हुए एक सप्ताह में कार्य पूरा कर देने का भरोसा दिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि शहर में पेयजल पाइपलाइन पिछले 12 करोड़ 60 लाख की लागत से पेयजल पुनर्गठन का कार्य अमृत योजना के तहत किया जा रहा है, जिसमें निर्माण कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने को निर्देशित किया है, जिससे पेयजल किल्लत दूर की जा सके। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार से हमने 12 करोड़ 60 लाख अमृत योजना मांग करी थी, जो अमृत योजना में स्वीकृत हो गया, जिसका काम भी प्रारंभ हो रहा है। थोड़ी दिक्कत आती है, हमारी छोटी गलियां हैं, अगर आप गड्ढा खोद देंगे पाइपलाइन के लिए, उसमें पाइप नहीं डालेंगे, मिट्टी नहीं डालेंगे, कई लोग गिर जाते हैं। सारे बिजली का कार्यालय इधर ही है हमारा, और स्कूल इधर हैं, छोटे मोटे जितने भी हैं, और क्लिनिक इधर हैं, रोज़मर्रा की जो दैनिक वस्तुएं लाने की चीज़ें होती हैं, दुकानें इधर हैं, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए मैंने सबसे कहा कि तुरंत इसको ठीक करें। जब लोगों की रिपोर्ट आई, आप लोगों ने सबने जब कहा, यहाँ के लोगों ने, मैंने तत्काल प्रभाव से इनके अधिकारी